नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जैसे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताजा आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है NHM उत्तर प्रदेश में मऊ के 4000 पदों पर आवेदन। कम्युनिटी हेल्थ के बेसिस पे ये आवेदन शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग, पोस्ट BCSC नर्सिंग एवं अन्य निर्धारित पात्राएँ होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। मूल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को जो है उसी में छटाई के माध्यम से एक तरह से ले लिया जाएगा। और TA दिए कोई नहीं दिए होगा, यह भी स्पष्ट कर दिया है। वेतनमान चयनित अभ्यर्थियों को 20,500 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2022 ऑनलाइन आवेदन की है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये भर्ती है। आप सभी जो भी उचित डिग्री धारक हैं वो इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। वर्दी का शौक रखने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है कि बिहार में 62,000 नए पदों की बहाली होने की बात आज के समाचार पत्रों में है। दिसंबर या जनवरी महीने में सिपाही के रिक्त 6,500 पदों पर पहली से हो शुरू होगी इसकी भर्ती। सिपाही से दरोगा बनने तक के विभिन्न स्तरों के 74,000 पदों के लिए सीजन का काम भी इस तरह से नए पदों के साथ जो है जल्द ही ये वैकेंसी आने की तो उम्मीद है। वहीं देखिए सीजन जो पद हैं 23,000 दरोगा, ASI 1,800, हवलदार 4,000, सिपाही 35,000, चालक सिपाही 9,000। तो इस तरह के पद सृजित होकर के आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने को बिहार में मिलने वाली है। आगे बात करें जो कोर्ट केस हुआ है TG माध्यमिक के पदों को लेकर के और चयन प्रक्रिया में देरी, डेट को देरी और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है सदस्यों का ना आना, उसके लिए तो उसकी एक नई डेट लगा दी गई है और जो कुछ 16 दिसंबर जो कि जल्द ही आपके सामने होगा रिजल्ट उसका। और इस बार जो काम की बात निकल के आई है उसमें यह बात रखी गई है आयोग की तरफ से कि प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और 16 दिसंबर तक यह प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको है माध्यमिक से। वहीं दिया है कर्मशाला निदेशक के 8 पदों पर चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत कर्मशाला अनुदेशक पेंटिंग पॉलिसिंग के 10 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। 8 पदों पर अभ्यर्थियों के चयनित घोषित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के 2 पद के लिए कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ये दोनों पद खाली रह गए। चयनितों में राज विजय यादव, सौरभ कुमार, अजय राजभज, नरेश कुमार, हिमांशी वाजपेयी, राजविंद्र नारायण सिंह एवं आनंद सिंह आदि शामिल हैं। वहीं PGDCA का लगाया फर्जी प्रमाण पत्र, चयन हुआ निरस्त। यह भी लोक सेवा आयोग से ही एक तरह से वैकेंसी होती है दिया है। दुग्धशाला विभाग विकास विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद पर चयन के लिए 13/14 में जारी विज्ञापन के तहत चयनित सुमन सिंह का PGDCA का प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन निरस्त कर दिया है। इसी तरह से और भी बहुत से चयन निरस्त हुए हैं, आप पहले भी देख चुके हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 में 308 नंबर पर चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितेंद्र कुमार गोड का जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसको कि उनकी जो है उनको उनके पद को भी निरस्त किया गया। तो इस तरह से बहुत से लोग फर्जी प्रमाण पत्र इस्तेमाल करते हैं और आईना यह देख लें कि क्या स्थिति होती है, उनको कैसे बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से लोग सावधान रहें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक ग्रुप सी के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा है वो 19 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने परीक्षा के लिए प्रस्तावित सिलेबस भी जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसमें सामान्य ज्ञान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 और ऐसी ही कई चीज़ें हैं जिसको के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं। वही दिया है मेडिकल ऑफिसर के 2382 पदों के जो आवेदन हैं वो शुरू, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में मेडिकल ऑफिसर के 2382 पदों पर सीधी भर्ती करनी जानी है, जिसमें से 488 पद जनरल फिजिशियन के हैं। सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। उचित योग्यता जो धारी हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो भी आपको बता ही दी गई, तो इस वजह से 5 जनवरी तक आप आवेदन कर लें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।